दोस्तों बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन ने अपनी फिल्म बेगम जान का एक बहुत बड़ा राज खोला है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप अगर अभी बच्चे हैं तो इस वीडियो को कृपया करके यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों फिल्म बेगम जान का वो चौंकाने वाला राज खोलने से पहले आपको बता दें कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस विद्या बालन आए दिन चर्चाओं में बनी रहती है। विद्या अपने कंधों पर मूवी हिट कराने की जिम्मेदारी कई बार ले चुकी है। ये एक्ट्रेस अपने बोल्ड जवाब के चलते फिर से हेडलाइंस में आ चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में करण जौहर ने अपने एक रेडियो शो कॉफी विद करण में विद्या बालन से कुछ पर्सनल सवाल पूछे। आपको बता दें कि ये सवाल विद्या की सेक्स लाइफ को लेकर पूछे गए थे, जिसके जवाब इस एक्ट्रेस ने बड़ी ही बेबाकी से दे डाले। करण ने पहला सवाल पूछा, आप अपने बेडरूम में लाइट खुला रखना पसंद करती हैं या बंद? विद्या इस सवाल पर बड़े ही शर्मीले तरीके से हंस पड़ी। हालांकि बाद में उन्होंने इसका जवाब दिया कि उन्हें डिम लाइट यानी कि हल्की रोशनी में सेक्स करना ज्यादा पसंद है। करण जौहर ने दूसरा सवाल किया कि बेडरूम में म्यूजिक या कैंडल? विद्या का जवाब था दोनों। लेकिन इसके बाद सबसे मजेदार रहा करण जौहर का अगला सवाल, और उससे भी मजेदार रहा विद्या बालन का करारा जवाब। करण ने सवाल किया कि एक्ट खत्म होने के बाद यानी हम बिस्तर होने के बाद आप क्या लेना पसंद करती हैं? कॉफी, ग्रीन टी, चॉकलेट या फिर एक और राउंड? विद्या ने इस सवाल का जवाब अपनी सेक्सी आवाज के साथ दिया, जिसे सुनकर करण जौहर को भी पसीना आ गया। जी हाँ दोस्तों, विद्या का जवाब था कि एक्ट के तुरंत बाद मुझे पानी चाहिए, क्योंकि प्यास बुझाते बुझाते मुझे खुद प्यास लगने लगती है। आइए अब आपको बताते हैं फिल्म बेगम जान का वो राज, जिसे सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेत्रियों का जीवन ऐसा होता है कि उन्हें लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। ऐसे में उन्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो उनका गलत फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं, और बहुत कम अभिनेत्रियां होती हैं जो इसके बारे में खुलकर बात कर पाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बॉलीवुड की इस मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन के साथ, जिसका खुलासा उन्होंने तकरीबन 2 साल बाद किया। अपने एक इंटरव्यू के दौरान विद्या बालन ने एक फिल्म के दौरान हुए कुछ वाक्य ऐसे बताए जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, विद्या बालन का कहना है कि जब उन्हें फिल्म बेगम जान की ऑफर आई थी तो पहले तो मैं स्क्रिप्ट पढ़कर ही डर गई थी, क्योंकि स्क्रिप्ट के अनुसार जो रोल उन्हें दिया गया था उसमें उनकी इज्जत खराब हो सकती थी, क्योंकि फिल्म में एंटीमेंट सीन की भरमार थी। ऐसे में उन्होंने अपने पति सिद्धार्थ राय से इस बारे में सलाह लेना ही उचित समझा, और इसके बाद ही उन्होंने ये फिल्म साइन की। लेकिन विद्या का कहना है कि लोग सेट पर ही आपका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और आपको इसके लिए बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। दरअसल फिल्म बेगम जान में एक जबरदस्ती वाला सीन करते हुए कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे विद्या बालन को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। इस सीन के विलन ने जब उन्हें पकड़ा तो कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह उनका गलत फायदा उठा रहा है। वह उन्हें बहुत जोर जोर से पकड़ रहा है और उनके निजी अंगों को भी छू रहा था। यह काफी सीरियस सीन था, लेकिन विद्या ने उस विलन को अलग करने के लिए उसे धक्का तक मार दिया था। यह देखकर डायरेक्टर भी समझ गया कि वह विद्या का नाजायज फायदा उठा रहा है और उनसे मजे ले रहा है। तभी डायरेक्टर ने वह सीन कट करने को कहा। इसके बाद डायरेक्टर ने विद्या को बैठाकर कुछ देर आराम करने को कहा और विलन का रोल कर रहे उस आदमी को फिल्म से बाहर कर दिया। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि वह आदमी विद्या बालन के साथ क्या करना चाहता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।